एक गांव में एक नाई रहता था। राह में घूम घूम कर लोगों की दाढ़ी बाल बनाकर किसी तरह अपना गुजर बसर करता था। एक दिन क्या हुआ, बाल काटने के एक आना, बाल दाढ़ी कटवाने के दो आना, एक साथ दो करवाने से मालिश पाइए मुफ्त में। कोई सुनता भी नहीं, कोई बुलाता भी नहीं, आज हुआ क्या है? हाँ, बाल काटने के एक आना, बाल दाढ़ी बनवाने के दो आना, एक साथ दोनों करवाने से मालिश पाइए मुफ्त में। सुबह सवेरे किसका चेहरा जो देखकर उठा था, धत दिन ही शायद खराब है, एक भी खरीदार नहीं जुटा। चलूं बामनों की गली में जाकर देखूं एक बार। बाल काटने के एक आना, बाल दाढ़ी बनवाने के दो आना, एक साथ दोनों करवाने से मालिश पाइए मुफ्त में। अरे ओ बाचू नाई, अरे सुनते हो? इधर 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 आओ। अरे सुन रहे हो? ओ पाचू नाई। बोलिए बोलिए बामन महाराज, क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करवाना, बस सिर पर शिखा को छोड़कर बाकी के बाल थोड़े कम कर दो। मैं अपने हुनर में माहिर हूँ, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो अंदर के आंगन में चलते हैं। सावधानी से पाचू, सावधानी से। देखो मेरी शिखा को मत काटना, ऐसा होने पर तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। छी 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 छी, क्या कहते हैं बामन महाराज, कितना छोटा था तब से ये काम कर रहा हूँ। 10 गांव में क्या ऐसे ही नाम कमाया है मैंने? है? 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 अरे अपना नाम धाम अपने पास ही रखो भाई, मेरी चोटी पर कोई आँच ना आए इसी में भलाई है तुम्हारी। जा, मर जा, ये भिनभिनाती मक्खी तो बहुत सता रही है। जा, 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 ओ, अरे क्या कर रहे हो पाचू, कट जाएगी तो। जा, जा, बदमाश मक्खी। बाप रे, चोटी तो काट फेंकी मैंने। बदमाश नाई, क्या कांड किया तूने देखूं? ये क्या सर्वनाश किया तूने, मेरी तो चोटी काट डाली। रुक जा बदमाश, रुक जा, आ जा तो तू रहेगा या मैं रहूंगा। तेरी नाई गिरी तो बेटा मैं निकालता हूँ आज। अरे बाप रे, मेरा क्या दोष, आप ही तो, आपने ही तो, आपने तो सिर हिलाया। बाप रे बाप, पहले यहाँ से भागू। भागेगा, भागेगा कहाँ, तू एक बार मेरे हाथ में तो आ, तू एक बार मेरे हाथ में तो आ, अपने हाथ से मार मार कर तेरे सर पर शिकाऊ आता हूँ बदमाश कहीं का। अच्छा पेड़ पर चढ़कर सोच रहा है पार पा गया, पकड़ पाने से आज मैं तेरा गला दबा देता। बदमाश, कितने दिन पेड़ पर रहेगा, पेड़ से उतरेगा नहीं, एक दिन तुझे दबोच ही लूंगा। चलो बामन महाराज चले गए, अब मैं जल्दी जल्दी पेड़ से उतर जाता हूं। बाल काटने के एक आना, बाल दाढ़ी बनवाने के दो आना, एक साथ दोनों करवाने से मालिश पाइए मुफ्त में।
अरे बाप रे बाप, इस समय खराटे मारकर कौन सोता है? कौन जा रहा है? और कौन? मैं पांचू नाई। ओ नाई, अच्छा बहुत बढ़िया, इधर आओ बैठो, मेरे सामने बैठ जाओ, थोड़ा मेरी दाढ़ी थोड़ा कम कर दो तो। जी हुजूर, अभी कर देता हूँ। सुनो, मेरी मूछ भी जरा छोटी कर देना, किंतु सावधान, कट ना जाए कहीं। ना ना हुजूर, कटेगी क्यों, मेरा हाथ बहुत ही पक्का है। ठीक है, पर जान कर रखो, पिछली बार एक नाई ने मेरी मूछ गलती से काट दी थी और उसके बदले में मैंने उसका सिर इधर से अलग कर दिया था। जी 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 हुजूर, बाप रे कहां फंस गया, अब की बार जान बची तो प्रसाद बांटूंगा। ये लो, मूंछ तो आधी कट गई। इस तरह कोई हड़बड़ाकर नींद से उठता है? हैं? ये क्या हुआ रे, मेरी मूंछ कट गई? अब रे घनचक्कर, तब आज इस भाले से तेरी नाक काट कर उसे आज फाटक पर गाड़ दूंगा मैं। अरे बाप रे, क्या होगा अब, वो तो भाला लेकर मेरे पीछे पड़ गया, छोड़ ही नहीं रहा। ना काट के ही दम लूंगा मैं। अरे भागो रे, अरे भागो रे, अरे भागो रे, बाप रे बाप, अरे भागो भागो रे, नहीं तो पकड़ लेगा, बाप रे बाप। कितने दिनों से इस भसुंडी के जंगल में कोई भी मनुष्य नहीं आया, कितने दिनों से किसी का गला नहीं दबोचा। पेड़ पर चढ़कर देखता हूं आज कोई आता है कि नहीं। क्या बात है पांचू भाई, इस शाम के वक्त भसुंडी के जंगल की ओर जा रहे हो, तुम्हें क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? और भाई क्या जान की परवाह, जो पेट नहीं भर सकता उसकी और जान क्या। जरा सुनो, उस जंगल में जाकर करोगे क्या, भूतों के बाल दाढ़ी काटोगे? देखता हूँ क्या कर पाता हूँ। जिंदा रहकर भी क्या होगा, वही तो रात दिन बीवी के मुंह से गाली, हाथ की झाड़ू लात, इससे अच्छा भसुंडी के जंगल में जाकर बैठता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अरे एक मनुष्य तो इधर ही आ रहा है, आज उसका गला दबोचूंगा, उसके मांस हड्डी से हलवा बनाकर खाऊंगा। अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा जंगल है, अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं। चलू चलू जाकर उस पेड़ के नीचे तनिक बैठूं। चलूं उसके साथ जरा मजाक करता हूं, उसे थोड़ा डराता हूं। अरे अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे ये क्या है, अरे अरे बाप रे, हाथ में भूत की मुंडी, अरे बाप रे। जबरदस्त तमाशा हुआ। अरे बाप रे, ये तो भूत का पांव दिखता है। चलूं अब उसके सामने जाता हूँ। क्या मजा आया, अब मैं तेरा गला दबोचूंगा।
निकलने पड़ा हूँ, आज शायद नहीं बचूंगा। देखो देखो एक आखिरी कोशिश करके देखता हूँ। कितने दिनों से किसी मनुष्य की मांस हड्डियों का हलवा नहीं खाया। बहुत सारे भूत मैंने इस झोले में भर कर रखे, अब एक और मिल गया, इसे भी झोले में आज भरूंगा। हाँ भरूंगा। तो क्या भूतों को अपने झोले में भर कर रखता है? विश्वास नहीं होता ये देख। चलो झोले से आईना निकालकर उसे दिखाता हूँ, वो खुद को आईने में देख के सोचेगा दूसरा भूत है। अरे अरे बाप रे, अरे बाप रे, इसने तो सच में ही भूत पकड़ा है। मुझे मत पकड़ना, मुझे मत पकड़ना, मुझे इस बार माफ कर दीजिए हुजूर। मेरे हाथ एक बार लगने से भागने की गुंजाइश ही नहीं। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं सारी उम्र आपका खरीदा हुआ गुलाम बनकर रहूंगा। तुझे छोड़ सकता हूँ पर एक शर्त पर, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। तो इसी समय एक बोरी सोने की मोहर लेकर आ। मोहरे आ, मोहरे आ, मोहरे आ। ठीक है, मोहर ले आया है, अब मुझे घर लेकर चल। आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए हुजूर, मैं आपको अभी घर पहुंचा देता हूँ। बस 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 यहाँ उतार दे। वो देख, वो रहा मेरा घर। पास में भोर होने के पहले एक बड़ा पक्का घर बना देना, हाँ, और एक अनाज का गोदाम, एक अनाज का गोदाम भी बना देना। जो हुकुम हुजूर। ये लीजिए, ये लीजिए एक सोने की मोहर, इसे आप जब भी घिसेंगे मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। सुनती हो? अरे सुनती हो भाग्यवान, दरवाजा खोलो भाग्यवान। इतनी रात तक कहाँ थे? अरे बाप रे, तुम्हारे कंधे पर वो क्या है, बोरा? ओ माँ, इतनी सारी मोहरे। ये तो कुछ भी नहीं, कल सुबह देखना क्या क्या होता है। बोलो ना, इतनी सारी मोहरे कहाँ से मिली? वो बातें बाद में होंगी, पहले कुछ खाने को तो दो। बड़ा नया घर, अनाज के गोदाम। कहा था ना और भी बहुत कुछ होगा, शोर मत मचाओ, देखो तो जरा, देखो। अरे एकनोड़ी, तू क्यों अनाज का बोझ ढो रहा है? मैं ना एक मनुष्य की गुलामी कर रहा हूँ, ये ना उसी के गोदाम का अनाज है। छी छी छी, तू भूत समाज की मान मर्यादा सब डुबो दे रहा है। आखिर है क्या तू, भूत होकर एक मनुष्य की गुलामी कर रहा है? अरे ये कोई आम मनुष्य नहीं है, ये अपने झोले में भूत भर कर रखता है। मजाक करने के लिए कोई और नहीं मिला क्या? हा? मैं सच बोल रहा हूँ, कसम से मैं बहुत हाथ पांव जोड़ कर बंदी होने से बचा हूँ। क्या, तूने मनुष्य के सामने हाथ पांव जोड़े? विश्वास नहीं होता तो मेरे साथ आज रात को चलो, मैं उससे मिलवाता हूँ। कैसे मैं उसका गला दबोचता हूँ,
ठीक पकड़ा, दो भूत इधर ही आ रहे हैं और एक नया भूत जुटा है। जाता हूँ, जाकर आईना निकाल लाता हूँ। तेरा मालिक कहाँ है? तेरा मालिक शायद मुझे देख के भाग खड़ा हुआ। क्या रे, तू मेरा गुलाम बनने के लिए एक और भूत साथ लाया है? तेरी हिम्मत तो कम नहीं, तू मेरे भाई से अपनी गुलामी नौकरी करवा रहा है। ये देख मेरा झोला, इसमें मैं भूत पकड़ कर रखता हूँ। ये देख, आज भी दो भूतों को पकड़ा है। अरे बाप रे, मैं यहाँ क्यों मरने आया? तूने तो बिल्कुल ठीक कहा था। चल चल अब आजा आजा आजा, अब मेरे झोले के अंदर आजा जल्दी, और देर ना कर। चल आजा आजा आजा, समा जा इसमें। अरे रे, मुझे इस बार के लिए छोड़ दीजिए हुजूर, मैं ना आपको एक अनाज का गोदाम बना कर दूंगा और देता हूँ एक सोने की कंघी। इसे आप जब भी घिसेंगे मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है ठीक है, इस बार छोड़ देता हूँ, और कभी मुझे परेशान करने मत आना। बता देता हूँ, हाँ मैं नाक पकड़ता हूँ, कान पकड़ता हूँ, आपके इलाके में हुजूर कभी नहीं आऊंगा। इसके बाद नाई, दो अनाज के गोदाम, बड़ा मकान और पत्नी के साथ सुख से रहने लगा। मेरी कहानी हुई खत्म, लड्डू पेड़े खाएंगे हम।